सिंपल सा बन रहा है सवाल है, के अपॉन थ्री प्लस के अपॉन फोर इक्वल टू वन, तो के की वैल्यू चाहिए। देखो सिंपल सी बात है, थ्री और फोर का एलसीएम कितना आता है, ट्वेल्व आता है। अब ट्वेल्व को अगर आप थ्री से डिवाइड करोगे क्या आ जाएगा, फोर, के से मल्टीप्लाई भी हो जाएगा फोर के। ट्वेल्व को फोर से डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा, थ्री, के से मल्टीप्लाई भी हो जाएगा थ्री के इक्वल टू वन। फोर के प्लस थ्री के सेवन के, और ट्वेल्व वन जार ट्वेल्व, के की वैल्यू ट्वेल्व अपॉन सेवन, एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है बच्चों, फ़ौरन आ जाएगा। देखिए यहाँ पे 1 अपॉन टू एक्स प्लस 1 अपॉन फोर एक्स प्लस 1 अपॉन थ्री एक्स इक्वल टू 14, और x की वैल्यू चाहिए। वेल अपॉन में क्या क्या है, टू फोर और थ्री, जिनका एलसीएम 12 आ जाएगा। 12 को डिवाइड करो टू से, सिक्स एक्स। 12 को डिवाइड करो फोर से, थ्री एक्स। 12 को डिवाइड करो थ्री से, फोर एक्स इक्वल टू 14। हाँ जी, ऊपर ये इन सब का सम कितना आ रहा है, 13x आ रहा है। और ये 12 उधर जा गया 14 से मल्टीप्लाई, 168। ऐसी मल्टीप्लिकेशन की भी सारी मैजिकल ट्रिक मैं आपको एक एक करके सिखाऊंगा, डोंट बॉदर अबाउट इट। 12 को 14 से देखें, मैंने फौरन मल्टीप्लाई किया, एक सेकंड में आंसर 168, डिवाइड कर दिया 13 से, ये इसका बच्चों आंसर आ गया 1/2x प्लस 1/4x प्लस 3x इक्वल टू 14। सो x की वैल्यू चाहिए थी जो कि आ गई 168 अपॉन, देखिए कह रहे हैं 11x प्लस 13y इक्वल टू 286। निकालना है x अपॉन 13 प्लस y अपॉन 11 इक्वल टू क्या होगा। वेल देखो दो तीन तरीके हैं। एक तरीका तो है सबको पूरे को हम 286 से डिवाइड कर दें। वेल मेरी कैलकुलेशन जितनी देर से मैं फ़ौरन कर लूँगा, आप लोग ज़ाहिर नहीं कर पाते। तो एक तरीका ये है कि यहाँ पर हम एलसीएम लेके देख लें। तो एलसीएम लोगे तो हो जाएगा 11x प्लस 13y, क्योंकि 11 थ्री 13 सा होता है 143। ठीक है, सो डेयर डेयर डेयर, सीधी साधी बात ये है कि हमने क्या किया, फिर देखें यहाँ पे एलसीएम लिया 11x प्लस 13y, ये हो गई हमारे पास सिचुएशन। अब देखो 11x प्लस 13y कितने के बराबर है, 286 के, है या नहीं। मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ 11x प्लस 13y की जगह क्या लिख सकता हूँ, 286। अब ये बहुत सिंपल से बात हो गई, 286 को हमने क्या किया, 143 से डिवाइड कर दिया। हाँ जी, 1 का डबल 2, 4 का डबल 8, 3 का डबल 6 है ना, आंसर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो देखो क्वेश्चन आपको घुमा के दिए हुए हैं, बड़े आसान। एप्टीट्यूड टेस्ट में हमेशा कैसे क्वेश्चन आते हैं, टेक्निकल क्वेश्चन। बड़ा अच्छा सवाल है, 39 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 39 इंटू 61 प्लस 61 का स्क्वायर। अब कुछ लोग स्क्वायर निकालने में हट जाते हैं, हालांकि स्क्वायर की भी मेरी ट्रिक है, लेकिन उसकी भी जरूरत नहीं। गौर से देखो तो बेसिकली फार्मूला बन रहा है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर का। सो सिंपल है यार ये तो, यानी कि हो जाएगा 39 प्लस 61 का स्क्वायर, 39 प्लस 61 100 का स्क्वायर तो 10,000। तो कुछ सवाल तो देखो इतने आसान नहीं है भाई पेपर में जो आए। बच्चों बड़ा अच्छा सवाल है, इफ 5 ए प्लस बी इक्वल टू 5 इंटू 25 इंटू 36 व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी की पावर। फिर मैंने कहा कि भाई बहुत घुमावा होगा यहाँ सब कुछ। देखो एक बात तो तय है कि 5 दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा, हाँ भाई बिल्कुल हो जाएगा, उधर डिवाइड करने की जरूरत नहीं ना, इस टाइम बचाते हैं। अब देखा जाए तो a प्लस बी जो हो गया, ये हो गया 25 मल्टीप्लाई बाय 36। दूसरे लफ्ज़ों में मैं ये भी तो कह सकता हूँ कि a प्लस बी है 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 6 का स्क्वायर। भाई देखो ना बात, देखिए 25 को हम 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 36 को 6 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और चाहिए क्या a प्लस बी की पावर हाफ। पावर हाफ का मतलब होता है दूसरे लफ्ज़ों में स्क्वायर रूट, ए प्लस बी की पावर हाफ। तो बड़ा आसान हो गया भाई, अब तो ए प्लस बी क्या है, 5 का स्क्वायर इंटू 6 का स्क्वायर, तो ए प्लस बी का हाफ ये स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा, खाली रह जाएगा 5/6। और 5/6 कितना होता है बच्चों, 30 होता है, यही हमारा। देखो बहुत ही टेक्निकल सवाल है और ये भी पेपर में आया हुआ है,
0.04 की पावर -2.5। तो पहले तो डेसिमल को ख़त्म करो, जब भी समझ में डेसिमल आए ना यार बड़ा मसला होता है। डेसिमल के बाद कितने नंबर हैं? दो नंबर, तो 4 के नीचे हम 100 लगा देंगे। डेसिमल के बाद दो नंबर थे तो 1 के साथ 2 जीरो हो गए। अब प्रॉब्लम ये पावर भी माइनस में, तो इसको प्लस में कन्वर्ट करना है, तो कैसे होगा? रेसिप्रोकल कर दो, 4/100 हो जाएगा 100/4। अब 100/4 कितना होता है? 25। और देखो 2.5 को अगर मैं फ्रैक्शन में कन्वर्ट करूँ, हमेशा रखो मेरा तरीका डेसिमल को फ्रैक्शन में, तो 5/2 हो जाएगा। 25 का लब क्या हो जाएगा? 5 का स्क्वायर। अब ये आपस में कैंसिल हो गया, 5 की पावर 5, 3 1 3 5, दिस इज़ योर आंसर। अब देखो बड़ा आसान सवाल था, इफ़ x प्लस 1/x इक्वल टू 7, फाइंड x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। सो वेल डेयर, अब मैट्रिक इंटर के मेथड से नहीं है, यहाँ ट्रिक से करना है। सो यार जो भी ये दिया हुआ होगा x प्लस 1/x, इसको n मान लेंगे, और x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर चाहिए, तो सिंपल ट्रिक, n स्क्वायर माइनस 2, 7 का स्क्वायर 49, माइनस 2 47 इज योर आंसर। देखिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो हैज़ ओनली वन रूट इफ ए इक्वल टू जीरो, बी इक्वल टू जीरो, सी इक्वल टू जीरो। सो जिसका करेक्ट आंसर है ए इक्वल टू जीरो। रीज़न यार, अगर देखो सवाल पहले तो समझ लो ना कि ये जो इक्वेशन है इसमें वन रूट कब होगा? ज़ाहिर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो दो रूट होंगे, तो भाई ए इक्वल टू जीरो, ज़ाहिर है इक्वेशन क्वाड्रेटिक ही नहीं रहेगी। बी एक्स प्लस जी सी इक्वल टू जीरो, यानी एक्स इक्वल टू माइनस बी अपॉन सी, सिर्फ एक रूट।